आपको से एक बात कहना चाहूँगी, अगर बुरी लगे तो माफ़ी चाहूँगी। जो लोग दूसरों की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, क्या वो अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर सकते हैं? और ये गंदगी कब थमेगी पता है? ये किसी आम इंसान की, किसी जो है क्या बोलते मिडिल क्लास की या फिर किसी ऐसे इंसान की लड़की थी, पता है रेप उस दिन बंद होगा ना जिस दिन किसी नेता की बेटी के साथ गलत होगा। उसी दिन सख्त कानून आ जाएगा, उसी दिन सब कुछ अच्छा होगा। और रेपिस्ट को ना 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर या तो उनको बीच चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए या फिर उन्हें गोली मार देनी चाहिए। बात बुरी लगे तो माफ़ करना, लेकिन लोग बेटियां इसलिए पैदा करना बंद कर देंगे ना, वो दहेज से नहीं डरेंगे, पढ़ाने से नहीं डरेंगे, वो अपनी बेटी की इज्जत बचाने से डरेंगे। वो एक डॉक्टर थी, वो तो ड्यूटी कर रही थी अपना, उसने कौन से शॉर्ट ड्रेस पहन के मार्केट में घूमने गई थी? लोग बोलते हैं अरे लड़की घूम रही थी, इधर गई थी उधर गई थी, फलाना कर रही थी, धमाका कर रही थी। वो कौन सा फलाना धमाका कर रही थी? वो तो लोगों की सेवा कर रही थी ना। जब डॉक्टर नहीं सुरक्षित है इस देश में, इस सरकार में, तो आम इंसान अपनी बेटियों की क्या सुरक्षा करेगा? कहीं स्कूल में रेप हो रहे, कहीं कहीं रेप हो रहे, कहीं कहीं रेप हो रहे, भाई सरकार सो क्यों रही है? एक दूसरे पे ब्लेम लगाने अच्छा है ना कि सब लोगों को मिल के ना, और जिसने रेप किया उसको बीच चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए कि ताकि दोबारा किसी की लड़की के साथ गलत ना हो। लेकिन ये किसी के नेता के कान में जू नहीं रहेंगी, जानते हो क्यों? क्योंकि किसी नेता की, किसी मंत्री की, किसी जो है राष्ट्रपति की बेटी नहीं है, ये आम इंसान की बेटी है। जहाँ कहीं निर्भया, कहीं अभ्या, कहीं कोई, कहीं उन्नाव का केस, कहीं फुलाने का केस, कहीं धमाके का केस, मतलब कुछ भी चल रहा है। हम लोग इसी दिन के लिए वोटिंग करने जाते, इसी दिन के लिए नेता बनाते कि हम अपनी खुद की बेटियों को, हम सच बता रहे हैं कि हमारी खुद की बेटी है, हमें खुद टेंशन होती मैं इसी स्कूल भेजूँ ना भेजूँ। इंसान गली के कुत्ते भी वफादार होते हैं, लेकिन ये जो कीड़े हैं नाली के, इनको कैसे समझाया जाए? हम तो रिक्वेस्ट करते हैं अपने नेता से, अब बाकी नेता तो सब बेकार है। मैं मोदी जी से स्पेशली ये बात कहना चाहूँगी कि सर अगर आप देख रहे हैं तो आप कृपया करके किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि 10-20 का केस और आए? ऐसा क्या, कितनी बेटियां कुर्बानी देंगी, कितनी अभ्या मरेंगी, कितनी निर्भया मरेंगी, कितनी जो है उन्नाव की बेटी मरेंगी, कितनी यूपी की बेटी मरेंगी, कितनी अयोध्या में कांड होगा, क्या होगा? घर गिराने से कुछ नहीं होगा, जिंदा जलाओ, जिंदा गोली मारो, और बीच चौराहे पे पत्थर मारो, ऐसे को ऐसे तड़पा तड़पा के मारो ना, जैसे वो लड़कियां जान देती हैं ना जिनको मारा जाता है ना, बेरहमी वाली मौत, वैसे ही मौत इन लोगों को देनी चाहिए, ताकि ना दूसरी की बेटियों को निगाह उठा के देखने के लिए ना लोग डरते हुए जाएं। लड़कियां रोड पे निकले तो लोगों की निगाहें नीची हों कि ना कि उनको घूरते हुए जाएं। ऐसा कानून आना चाहिए हमारे इंडिया में। हमें मुफ्त में दाल चावल आटा नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में एजुकेशन भी नहीं चाहिए, हमें हमारी बेटियों की सुरक्षा चाहिए। अरे बताइए बेटियां जाएं तो कहां जाएं, या फिर बेटियां पैदा हो तो इंसान गला दबा के मार डाले, और जब बेटियां नहीं रहेंगी तो देश कहां से आगे बढ़ेगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अब मुद्दा नहीं रहा, अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी की इज्जत बचाओ, कुत्तों को भगाओ, जो नाली के कीड़े हैं ना, गंदगी है, उनको भगाओ, उनको जला के मारो जिंदा, या तो फिर 24 घंटे के अंदर पत्थर मारो। इतना गंदा कानून होना चाहिए, इतना बढ़िया कानून होना चाहिए कि कोई बेटियों की तरफ आंख उठा के ना देखे। अरे हमको लगता है ऐसे पता नहीं कितने केसेस तो होते होंगे जो लोग बताते नहीं होंगे शर्म की वजह से, क्योंकि हमारी जो नेता है, हमारी सरकार जो है ना, आंख बंद करके नींद गहरी मार रही है। ये उनके ऊपर ब्लेम लगा लो, वो उनके ऊपर ब्लेम लगा लो, उनके ऊपर ब्लेम लगा लो, ये ब्लेम का मैटर खत्म होगा तो लड़कियों को देख लो भाई। जब खुद की किसी बेटी के साथ होगा ना तब इन लोगों के दिमाग खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। हमारे देश का कानून, हमारे कानून मानना पड़ेगा।